नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत और चीन सीमा। भारत और चीन सीमा की बात करेंगे और भारत और चीन के मध्य कौन कौन से विवाद हुए थे उसकी बात आज की वीडियो में की जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम। भारत तथा चीन सीमा, तो दोस्तों देखिए, पहले हम मैप की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हिमाचल प्रदेश वाला हिस्सा है दोस्तों, ये यूके हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सिक्किम हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा हो गया दोस्तों। एपी एपी बोलेंगे दोस्तों इसको, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों हम बात करते हैं भारत और चीन के मध्य की सीमा को, हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा इसे बोला जाता है दोस्तों, मैकमोहन रेखा, जो कि सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर दी गई। सर हेनरी मैकमोहन, इस रेखा का निर्धारण दोस्तों 1914 से 1916 के मध्य इसका निर्धारण किया गया। भारत और चीन के मध्य की जो सीमा है दोस्तों, मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। 1914 से 16 में इसका निर्धारण किया गया। अब दोस्तों भारत के निम्न राज्यों के साथ या फिर क्षेत्रों के साथ चीन सीमा बनाता है। तो दोस्तों देखिए, भारत के लद्दाख, दूसरा दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तीसरा दोस्तों उत्तराखंड, सिक्किम और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। इनके साथ दोस्तों भारत की सीमा जो है चीन की सीमा लगती है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों बात मैकमोहन रेखा की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारत और चीन के मध्य विवाद। भारत और चीन के मध्य कौन कौन से विवाद हुए हैं, भारत तथा चीन विवाद, भारत चीन विवाद की बात करेंगे दोस्तों। पहली बात करते हैं हम अक्साई चीन को लेकर के। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं हम अक्साई चीन विवाद की। तो अक्साई चीन विवाद की भी हम बात करें तो दोस्तों 1954 में भारत और चीन के मध्य एक समझौता हुआ था।
जिसे बोलते हैं हम पंचशील समझौता। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था, जिसमें पांच महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए। पहला बिंदु था भारत और चीन दोनों देश एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करेंगे। पहला बिंदु था दोनों देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु था दोनों शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहेंगे। तीसरा बिंदु है दोस्तों संप्रभुता को बनाए रखेंगे, संप्रभुता को बनाए रखेंगे। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं। दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण, अतिक्रमण का मतलब होगा दोस्तों उल्लंघन, दोनों देश एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे। पांचवा बिंदु हो गया दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, तो ये बात हो गई पंचशील समझौते। तो 1954 में अक्साय चीन विवाद हुआ था, तो इसका कारण था कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था, जो कि दोनों देशों ने एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की शपथ ली थी, शांतिपूर्वक से अस्तित्व का उन्होंने जो है घोषणा की थी, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उसमें महत्वपूर्ण बिंदु रखा गया था एक दूसरे की समझौता सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, अतिक्रमण नहीं करेंगे और एक दूसरे पर किसी प्रकार का कोई आक्रमण नहीं करेंगे। ये पांच बिंदु जो है पंचशील समझौते में रखे गए थे। अब बात करते हैं आगे की हम, तो दोस्तों देखिए 1954 के बाद फिर 1959 की बात करते हैं, चार पांच साल ये समझौता कायम रहा। में पंचशील समझौता हो गया था, 1954 में पंचशील समझौता हुआ, उसके पश्चात 1959 में चीन ने क्या किया तिब्बत पर कब्जा कर लिया, चीन ने तिब्बत पर क्या किया दोस्तों कब्जा कर लिया, तिब्बत पर कब्जा, क्योंकि तिब्बत उस समय स्वतंत्र था, एक अलग अपना अस्तित्व रखता था, तो चीन ने इस पर क्या कर लिया दोस्तों कब्जा कर लिया। और 1960 में क्या हुआ, दलाई लामा को इन्होंने देशद्रोही घोषित कर दिया, दलाई लामा को क्या घोषित कर दिया देशद्रोही। 1960 में दलाई लामा को देशद्रोही घोषित कर दिया, तो दलाई लामा भाग करके वहां से धर्मशाला हिमाचल प्रदेश आ गया, धर्मशाला नामक स्थान पर आ गया हिमाचल प्रदेश में, धर्मशाला में आ गया जो कि हिमाचल प्रदेश में है। यहां आकर के भारत ने इसको क्या दे दी दोस्तों, धर्मशाला में भारत द्वारा इसको क्या दे दी गई, शरण दे दी गई, भारत द्वारा शरण दे दी गई, तो भारत देश ने इसको शरण दे दी 1960 में दलाई लामा को। दलाई लामा चीन के द्वारा देशद्रोही घोषित किया गया था, उसके पश्चात भारत ने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश नामक स्थान पर इसको शरण दे दी। उसके पश्चात
बासठ की, 61 की बात करते हैं दोस्तों, 1961 में क्या हुआ, भारत तथा चीन के मध्य एक विवाद हो गया, भारत और चीन के मध्य क्या हो गया दोस्तों, विवाद हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं भारत चीन विवाद, अक्साई चीन को लेकर के विवाद हुआ है इसमें दोस्तों, भारत और चीन के मध्य, इस वजह से क्योंकि पंचशील समझौता भंग हो गया था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, दलाई लामा देशद्रोही घोषित हो गया और दलाई लामा को भारत ने धर्मशाला स्थान पर शरण दे दी थी, लेकिन उस समझौते में कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे पर, एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने क्या किया, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश स्थान पर दलाई लामा को शरण दे दी दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गई बात, दलाई लामा को शरण दे दी, और 1962 में क्या हो गया दोस्तों, ये पंचशील समझौता भंग हो गया और भारत तथा चीन के मध्य क्या हो गया, विवाद हो गया, भारत चीन के मध्य विवाद हो गया और चीन ने क्या किया, चीन ने दोस्तों अक्साई, चीन ने, चीन ने इस क्षेत्र पर अक्साई चीन और नेपाल पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, अक्साई चीन तथा नेफा, नेफा ये क्षेत्र है दोस्तों, इसका अरुणाचल प्रदेश का ये क्षेत्र है नेफा, NEFA नेफा, इस नेफा पर इन्होंने क्या कर लिया, अक्साई चीन और नेफा पर कब्जा कर लिया चाइना ने। नेफा की फुल फॉर्म है दोस्तों, एन का मतलब हो गया नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, एफ का मतलब हो गया फ्रंटियर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया। तो चीन ने क्या किया, अक्साई चीन तथा नेफा इन दो क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया। तो ये हो गई दोस्तों अक्साई चीन विवाद। अब दूसरे विवाद की हम बात करते हैं दोस्तों, दूसरा विवाद जो है दोस्तों स्टेपल वीजा विवाद कहलाता है, स्टेपल वीजा, दूसरा कहलाता है स्टेपल वीजा। इसमें क्या था कि इसमें अरुणाचल प्रदेश, इसमें जम्मू एंड कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए क्या दे दिया गया, अरुणाचल प्रदेश, एपी बोलेंगे इसको, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक वीजा दे दिया गया, जिससे कि वो चाइना में आ जा सकते हैं और घूम फिर सकते हैं आसानी से। तो इस वीजा को स्टेपल वीजा कहा गया, इसको लेकर भी अब विवाद, पहले विवाद था जिसे नाम दिया गया था स्टेपल वीजा विवाद। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के घूमने फिरने के लिए चीन ने क्या दे दिया था, एक वीजा दिया था जिसे हम स्टेपल वीजा कहते हैं। तीसरा विवाद है दोस्तों डोकलाम विवाद, तीसरे विवाद की यदि हम बात करें तो तीसरा विवाद है डोकलाम विवाद, तीसरा विवाद है डोकलाम विवाद। अब हम डोकलाम की बात करें कि डोकलाम क्या है, देखिए दोस्तों ये जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं डोकलाम, इस क्षेत्र को बोला जाता है डोकलाम, जिसे हम डोकलाम के नाम से जानते हैं। डोकलाम का मतलब है दोस्तों ट्राई जंक्शन पॉइंट, ट्राई जंक्शन, जंक्शन पॉइंट, ट्राई जंक्शन पॉइंट। तो डोकलाम का मतलब व्हाट है, ट्राई जंक्शन पॉइंट मतलब तीन देश, जहां पर तीन देशों की सीमाएं लगती हैं, तीन देशों की सीमाएं, तो ट्राई जंक्शन पॉइंट या तीन से देशों की जहां पर सीमाएं लगती हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं डोकलाम। तो डोकलाम एक ऐसा स्थान हो जाता है जहां पर तीन देशों की सीमाएं लगती हैं, तो ये क्षेत्र डोकलाम कहलाता है। तो डोकलाम को लेकर भी भारत चीन और इनके मध्य एक विवाद हुआ, जिसे हम बाद में नाम दिया गया डोकलाम विवाद। तो ये हो गई दोस्तों डोकलाम विवाद की बात। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने भारत चीन के मध्य की सीमा रेखा, भारत और चीन के मध्य होने वाले विवाद जैसे कि अक्साई चीन विवाद, स्टेपल वीजा विवाद, डोकलाम विवाद, तो ये हो गई दोस्तों भारत और चीन के मध्य विवाद। दोस्तों कल हम बात करेंगे
मोतियों की माला, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल क्या है, मोतियों की माला क्या है, चीन की एक नीति है जिसे हम मोतियों की माला कहते हैं, उसे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक भी कर लें, शेयर करें, जिससे कि ज्योग्राफी की रेगुलरली वीडियोज आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।